नमस्कार। कोरोना की तीसरी लहर की अभी तैयारी शुरू हुई है, उसके बारे में बात करते हैं। अभी सभी तज्ञों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर सितंबर से कभी भी शुरुआत हो सकती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर कभी भी शुरुआत हो सकती है, और उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने तैयारी करना चाहिए। और ये जो तीसरी लहर है ये पहली लहर से ज़्यादा घातक और अभी जो चल रही दूसरी उससे थोड़ी कम ऐसी रहेंगी। तीसरी लहर आने तक काफ़ी लोगों को वैक्सीनेशन हुआ होगा, तो फिर अभी कोरोना कहाँ अटैक करेगा? कोरोना अटैक करेगा यंग, 18 साल के नीचे के बच्चे जो है उनको अटैक करेगा। तो अभी पीडियाट्रिशियन लोगों के ऊपर काम बहुत बढ़ जाएगा। अब छोटे बच्चों के ऊपर कोरोना अटैक करेगा तो और बच्चे एकदम छोटे हैं, समझो है ना, दो साल, तीन साल, चार साल का बच्चा है, तो अकेले बच्चों को एडमिट करना जमता नहीं। मतलब अभी जैसा कोरोना में आइसोलेट करते थे, अभी क्या होने वाला है कि बच्चों को एडमिट कर दिया तो उनके माँ बाप को या कोई तो भी माँ को या किसी को उनके साथ में रहना पड़ेगा, मतलब हॉस्पिटल में कितना लोड आ जाएगा। तो वो भी तैयारी अभी हॉस्पिटल्स की होनी जरूरी है। और वैसे ही लोगों को ऑक्सीजन लग सकता है, मतलब दूसरी लहर के बाद में लोग अच्छे भी हुए तभी लोगों को ऑक्सीजन के बीच बीच में जरूरत हो सकती है। तो तज्ञ लोग ऐसा कहते हैं कि ऑक्सीजन हब खड़े करने होंगे चौक चौक के ऊपर, ताकि लोग आते जाते थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लेंगे और काम पे लग जाएंगे। तो ऐसे ऑक्सीजन हब तैयार करने पड़ेंगे शायद, कि जहां लोग आके ऑक्सीजन लेंगे और अपना जो है ऑक्सीजनेशन बराबर कर लेंगे, सेचुरेशन ठीक कर लेंगे। अभी क्या हो रहा है कि अभी के लहर में बहुत बार ऐसा हो रहा है कि रिलेटिव का एंग्जाइटी बहुत है, बहुत एंग्शियस है रिलेटिव्स, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं। डॉक्टर्स लोगों के ऊपर भी बहुत तनाव है, प्रेशर्स है, तो फिर इसमें होता क्या कि स्टीरॉयड बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, और स्टीरॉयड्स बहुत ज़्यादा जब देते हैं तो म्यूकोर माइकोसिस नाम का एक बीमारी है, म्यूकोर माइकोसिस नाम की एक बीमारी है, वो बीमारी होने की संभावना है। अब म्यूकोर माइकोसिस क्या है? म्यूकोर माइकोसिस में क्या होता है कि काले चट्टे नाक में और हार्ड पैलेट जो है, मतलब मुंह में अंदर जो हड्डी है उसके ऊपर काले चट्टे बुरशी जैसी आती ना, मतलब फंगल इन्फेक्शन है वो एक्चुअली, वैसा दिखना चालू हो जाता है। तो कैसे काले चट्टे आना नाक में और मुंह में अंदर काले चट्टे आना, फंगल इन्फेक्शन, और उसमें फिर श्वास नहीं लेते आना, फिर नाक में ऐसा लगता कि दम बंद हो गया, दांत और गाल जो है उसमें दर्द होना, सूजना, चेहरा सूज जाना, चेहरा दुखना, और इसका आंखों के ऊपर भी असर हो रहा है, आंखें भी दृष्टि कमजोर हो रही है, आंखें के ऊपर सूजन आना भी होता है। अब म्यूकोर माइकोसिस ज़्यादातर वो लोगों में होने की संभावना है जिनको डायबिटीज़ है, मधुमेह, शुगर का बीमारी है, या उनको और कोई बीमारी है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, मतलब ऐसी बीमारी है तो उसमें वो म्यूकोर माइकोसिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अभी इसके लिए क्या करना जरूरी है? इसके लिए जैसे एक तो स्टीरॉयड का वापर कम होगा तो ये कंट्रोल में आ जाएगा, और दूसरा पेशेंट लोगों ने अपनी जांच ENT स्पेशलिस्ट से कर लेना चाहिए, अभी उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा काम का, क्योंकि थोड़ा भी असर दिखता है तो तुरंत उसका इलाज करना जरूरी है। तो भी उसका इलाज क्या है? उसको प्रिवेंशन, एक तो बेस्ट इलाज है कि उसका प्रिवेंशन होना जरूरी है, मतलब जितना जल्दी स्टीरॉयड बंद कर सकते उतना जल्दी स्टीरॉयड्स बंद करना है, मिथिल प्रेडनिसोलोन जो देते हैं कॉमनली, और फिर बीटाडीन के ड्रॉप्स नाक में डालना, नेजल स्प्रेस जो है एंटीबायोटिक के वो डालना, एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक के नेजल स्प्रे मारना, एंटी फंगल स्प्रेस वो मारना नाक में, नॉर्मल सलाइन के स्प्रे मारना, ताकि नाक साफ होते रहे और मुंह भी साफ होते रहेगा, यदि वो निगलते हैं थोड़ा सा तो मुंह भी साफ हो जाएगा, मतलब अंदर का जो पैलेट है वो भी साफ हो जाएगा। तो इस तरह से वो प्रिवेंशन हो सकता है म्यूकोर माइकोसिस का, मगर म्यूकोर माइकोसिस बहुत कॉमनली अभी दिखाई दे रहा है। और अभी तीसरी जो लहर आने वाली है वो तीसरी लहर की सभी ने तैयारी करना जरूरी है, और सब तैयारी में लगे हुए, एक तो ऑक्सीजन प्लांट डाल रहे, अभी कोर्ट ने भी शायद कोई निर्णय बता दिया कि ऑक्सीजन प्लांट अभी डालना जरूरी है हर हॉस्पिटल को, और वो डालते हैं, हर हॉस्पिटल अपना अपना प्लान डालते हैं, तो ऑक्सीजन की जो कमी है वो दिखेंगे नहीं और लोगों को ऑक्सीजन मिलेगा, जो पेशेंट आ रहे उनको ऑक्सीजन मिलेगा। और अभी ये जो है कि ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बीच बीच में, तो उसके लिए ऑक्सीजन की हब चौक चौक पर लगाना और वहाँ लोगों ने अपना ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजनेशन करना, ये भी बहुत जरूरी होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं,
और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।